हिस्ट्री प्लेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अकबर बलोच। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ज़िला जंग में हेरिटेज पे काम कर रहा हूं। आज आया हूं मैं अहमदपुर सियाल में, और अहमदपुर सियाल में एक रोड के साथ एक ये दिखाई देने वाली ये समाधि जो है ये मौजूद है, और इस पे नज़र पड़ी तो सोचा आपको इसके मुतालिक ज़रा बता दूँ। वाज़ह है कि अहमदपुर सियाल तकसीम से पहले तहसील शोरकोट का हिस्सा था। अब ये हाल ही में कुछ साल पहले इसे तहसील का दर्जा दिया गया। अब बात करें अगर हम इस समाधि की, सबसे पहले तो इतना नहीं पता कि ये समाधि किसकी है और किसकी नहीं है। खैर, एक बात जो खुशाइन या सबसे अच्छी है वो ये है कि इस समाधि को मकामी आबादी ने, अहमदपुर सियाल में बसने वालों ने बाहर से सीमेंट यानी कि प्लस्तर करवाया है। लेकिन प्लस्तर के दौरान जो मुझे जिस बात का मुझे दुख हुआ सबसे बड़ा, वो ये है कि जो नई ईंटें यहाँ पे लगाई गई हैं वो आर्कियालोजी की रहनुमाई के बग़ैर लगाई गई हैं, जिससे ये समाधि महफूज तो ज़रूर हुई है लेकिन साथ अफसोस इस बात का भी है जो इसका जो स्ट्रक्चर का जो असल हुस्न था साथ वो भी मुतासर हुआ है। अब बेहतर ये था कि अहमदपुर सियाल में बसने वाले लोग इसे रिपेयर करने से पहले या इसकी रेनोवेशन करने से पहले ज़रा अगर किसी आर्कियालोजी से रिलेटेड किसी शख्सियत की रहनुमाई हासिल करते तो इस तरह ना होता जिस तरह ये है। अंदर से भी देखा जा सकता है कि इसको ये आप देख रहे हैं कि नई ईंटें ज़रूर लगाई गई हैं। ये जो टाइल्स हैं आजकल के ज़माने में इस्तेमाल होने वाली, ये टाइल्स लगाई गई हैं। कहीं किसी हद तक तो ये करीब करीब की ईंट लगाई गई है, लेकिन फिर भी जो इसका हुस्न है वो इस स्ट्रक्चर का जो खूबसूरती थी वो ज़रूर मुतासर हुई है। अहमदपुर सियाल में बसने वाले लोग इसे मंदिर भी कहते हैं और इसे कुछ लोग जो हैं वो समाधि भी कहते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये समाधि महसूस होती है।